आपका चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक फेशियल वाइप्स का रिव्यू शेयर करूंगी। जी हाँ, आई होप आपको पसंद आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट रह सके और मेरी अदर्स वीडियो भी देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं वीडियो शुरू। तो आज मैं आपके साथ जिस फेशियल वाइप्स का रिव्यू शेयर करूंगी वो है कारा का फेशियल वाइप्स। जी हाँ, इसी का रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मिंट ऑयल और एलोवेरा वाला है। वैसे इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, शायद ये न्यूली लॉन्च है। जी हाँ, इसके कारा के मैंने अदर्स वाले फेशियल वाइप्स यूज़ कर रखे हैं, लेकिन इसको मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो कारा के और भी दूसरे फेशियल वाइप्स आते हैं जो आपको जैसे कुकुम्बर में या फिर टी ट्री ऑयल, हनी, आलमंड्स, जो भी आपकी स्किन को सूट करे आप उसके अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों के हिसाब से आपको एलोवेरा और ये मिंट वाला ही आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको एलोवेरा और मिंट ऑयल नहीं सूट करता है तो आप कुकुम्बर वाला भी ले सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप फिर हनी या फिर आलमंड्स वाला चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है तो मेरे लिए ये बेस्ट है। चलिए अब इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ये हमारी स्किन को क्लीन करने के काम आता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, नरिश करता है, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी माइल्ड है। जी हाँ, इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि आपने कोई डियो या फिर परफ्यूम अपनी बॉडी पर लगा रखा है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी हाई है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स तो करेगी ही, आपको गर्मी में स्वेटिंग की बदबू से भी बचाएगी। जी हाँ, तो इसमें आपको 10 वाइप्स मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें मिलते हैं आपको 10 वाइप्स। बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो ये 48 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पीछे इसका प्राइस, ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर पीछे इसका प्राइस दे रखा है। और बात की कर ली जाए इसकी सेल्फ लाइफ की, तो 2 ईयर्स इसकी सेल्फ लाइफ है। इसका यूज आप एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में, जी हाँ, एक्सेस ऑयल को हटाने में, और अपने फेस और नेक एरिया को अच्छी तरह क्लीन करने में, और जो डर्ट वगैरह जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी बॉडी पर जमा हो जाती है उसको निकालने में कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये आपका मेकअप रिमूवर में भी काम आएगा। जी हाँ, आप इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी। बात कर ली जाए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए ये अल्कोहल और पैराबिन फ्री है। जी हाँ, यहाँ पर पीछे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। शायद कैमरा इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये अल्कोहल और पैराबिन फ्री है, तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, ये स्किन फ्रेंडली के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो आपका जिसमें 10 वाइप्स आते हैं, जो 48 में आता है, ये देखिए ये आपका कितना पतला है। तो आप इसको अपने बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं, जब भी आप बाहर जाए इसको अपने बैग में आराम से ले जा सकते हैं। इतना आपको इसका रखने के बाद ये इतना स्पेस भी नहीं लेगा और आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं और खासकर गर्मियों में आपने देखा होगा कि बार बार पसीने आने की वजह से हमारा चेहरा ब्लैक पड़ने लगता है, और गर्मियों में तो पसीना भी बहुत आता है, तो ये फेशियल वाइप्स उस पसीने को हटाने का काम करेगा। जी हाँ, बार बार ये तो नहीं है कि हम बार बार फेस को वॉश करेंगे, ऐसा तो हम बाहर जाने पर नहीं कर सकते। फेशियल वाइप्स उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। जी हाँ, और जब ये अल्कोहल और पैराबिन फ्री है, तो अगर आपका बेबी 5 साल से ऊपर है तो आप उसकी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे उसके नेक एरिया या फिर हाथों को साफ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये ओपन कहाँ से होता है। तो ओपन करने के लिए ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये स्टिकर चिपका रखा है, तो आपको यहाँ से इसको ओपन करना है और दोबारा से इसको यहाँ से ही बंद कर देना है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करेंगे तो ये आपके फेशियल वाइप सूख जाएंगे। जी हाँ, फिर इनको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सूख जाएंगे तो ये आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे।
तो जैसे ही आपने इसको ले लिया तो आपको यहाँ से इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। ये देखिए, तो अभी हम ओपन कर लेते हैं और अपना एक फेशियल वाइप्स निकाल लेते हैं और इसको ये कर दिया हमने अच्छी तरह से बंद। तो अभी आप देख सकते हैं आपको इतना बड़ा ये फेशियल वाइप्स इसमें मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है, इतना भी नहीं है। और देखिए इसका ये जो फैब्रिक है कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह से ये ऐसे खींच भी रहा है। लेकिन किसारा का जो फेशियल वाइप्स है ये विस्कोस फैब्रिक से मिलकर बनाया गया है, जी हाँ, जो 100% नेचुरल है। तो आप देख सकते हैं इसका कपड़ा भी काफ़ी, जी हाँ, इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि आप कैसे इससे अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। यह आपके मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करेगा, जी हाँ। आप इससे अपना नेक एरिया और अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इसने मेरा मेकअप कर दिया है अच्छी तरह से क्लीन। अब आपको इस पे ज़्यादा तो मेकअप नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना भी मेकअप नहीं किया था कि मेकअप निकालने के बाद एकदम से मेरा चेहरा ही चेंज हो जाए। तो हल्का फुल्का मेकअप था, जी हाँ, मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया था और थोड़ी सी फेयर लवली, तो उसको इसने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम इससे अपनी नेक को भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो जब भी आप बाहर से आए तो एक बार आप अपना फेस इससे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि आपके फेस पर जो भी डर्ट वगैरह जमी हुई है उसको निकालने का काम अच्छी तरह से करेगा। ये फेशियल वाइप डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, जी हाँ, तो ये आपकी स्किन के लिए सेफ है। और अगर फ्रेंड्स आपको कि फेशियल वाइप्स को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं वो वाली जानकारी भी चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, जी हाँ, मैंने हिमालय के फेशियल वाइप्स का रिव्यू भी उस वीडियो में दिया है। तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि हम फेशियल वाइप्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।